अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैकेनिक स्टैटिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज। सो इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कस सिंग ए प्रॉब्लम फ्रॉम इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन पैरेलल एंड नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का मतलब है कि फोर्सेज आपस में पैरेलल भी ना हो और एक पॉइंट पर भी ना लग रहे हो, नॉन कंकरेंट हो। तो उससे आज हम ये पहला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है कि द बीम शोन इन फिगर इज सपोर्टेड बाय हिंज सपोर्ट एट ए एंड द रोलर सपोर्ट एट बी ऑन 1 to 2 स्लोप एट बी। डिटरमाइन द रिजल्टेंट रिएक्शन एट ए एंड बी। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास बीम है जो कि ए पॉइंट पर, यहाँ पर कौन सा सपोर्ट लगा हुआ है, हिंज सपोर्ट है। तो जब हिंज सपोर्ट होगा ये फिक्स्ड होगा, उसके वर्टिकल और हॉरिजेंटल में रिएक्शंस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल में इसका मोशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। सिमिलरली ये रोलर सपोर्ट जो है ये इस इंक्लाइंड प्लेन जो कि 1 to 2 इंक्लाइंड प्लेन है इस पर रखा गया है, इसके साथ अटैच नहीं है। तो जब उस पर रखा गया हो तो उसके नॉर्मल पे ये फोर्स लगेगा, उसके परपेंडिकुलर ही इसके फोर्स लगेगा, जिसको हम आर बी कहेंगे। ठीक है, तो हमने सपोर्ट ए पर जो फोर्सेस लगते हैं उसका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, आर ए फाइंड करना होगा रिजल्टेंट। और सिमिलरली सपोर्ट बी पर जो रिजल्टेंट बनते हैं हमने वो भी फाइंड करना होगा। ठीक है, रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड करना होगा। देखो इधर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट रिएक्शंस। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी ड्रा किया है। देखो इसके हॉरिजेंटल में ए एक्स रिएक्शन आ जाएगा, यहाँ पर ए वाई वर्टिकल में आ जाएगा, और इस बीम पर भी तो एक फोर्स लग रहा है ना, ऊपर से एक फोर्स लग रहा है जो कि 40 किलो न्यूटन के बराबर है। ठीक है, 40 किलो न्यूटन के, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप लोग लिख लो, ऊपर डायग्राम में मैंने लिखा है फ्री बॉडी और से मुझसे रह गया। उसके बाद यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्मल फोर्स लगेगा इस बीम पर। तो जब ये यहाँ पर लगेगा तो ये बात आप लोग यहाँ पर समझ लो कि दो लाइन्स के बीच में, ये देखो दो लाइन्स के बीच में जो एंगल बनता है, तो अगर वो उस इंक्लाइंड प्लेन पे हम नॉर्मल फोर्स ले लें तो वो एंगल उस नॉर्मल फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट के साथ सेम होगा। ये थ्योरी में बस ये याद कर लो कि दो लाइन्स के बीच में जो एंगल होता है अगर उसके परपेंडिकुलर फोर्स हो तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ये एंगल सेम आएगा। ठीक है, देखो अगर ये हम इधर ये फोर्स को हम इस तरह एक्सटेंड कर ले और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट बनाए तो ये वाला एंगल भी इन दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा उसके बराबर होगा। ये पॉइंट आप लोग समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों ने ये एंगल इस तरह कंसिडर करना है। तो अब यहाँ पर जब एंगल बनेगा, ठीक है, इसके नॉर्मल के साथ, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका आर बी वाई आएगा, इसके साथ हमारे पास यहाँ पर एंगल बनेगा, तो वो एंगल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा उसके बराबर होगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हमारे पास, 1 है, ओरिजेंटल 2 है। ठीक है, ओरिजेंटल 2 दिया है, तो हम इस तरह कर लेंगे कि इसको थीटा थीटा इजिकल टू 10 इनवर्स वाई बाई एक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये एंगल फाइंड किया है 1/2, थीटा इजिकल 10 इनवर्स 1/2, तो थीटा हमारे पास आया 26.565। अच्छा जी, जब ये हमारे पास आया तो ये देखो यहाँ पर थीटा जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट के साथ बन रहा है, तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट के साथ कास आएगा, और इस रिएक्टिव फोर्स एट आर बी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल नहीं बन रहा है, तो इसके साथ साइन मैंने लिख लिए। ये बातें समझो। हाँ, हम इक्विलिब्रियम के इक्वेशन की तरफ आते हैं। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में मैंने एफ ऑफ समीकरण एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 लिया और अपवर्ड में पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन यानी वर्टिकल प्लेन में जो फोर्सेज लग रहे हैं हमने सिर्फ वो शो करने होंगे। यहाँ पर 40 न्यूटन भी है, सही है, तो जो हमने सिर्फ वो शो करने होंगे, तो यहाँ पर ए वाई अपवर्ड की तरफ जा रहा है, मैंने पॉजिटिव लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पर रिएक्टिव फोर्स इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी हमारे पास आएगा। देखो इसका, उसके साथ हम क्या लिखेंगे, आर बी कॉस 26.565। ठीक है, जब इसका ये आएगा तो वो हमने लिख लिया, ऊपर की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव लिख लिया। उसके बाद जब इस बीम पे जो फोर्स लग रहा है 40 किलो न्यूटन, तो वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये हम मैंने नेगेटिव लिख लिया, इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लिया। फिर ए वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस आर बी कॉस 26.565 इज इक्वल टू 40 40, उस तरफ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया है, फिर इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दो, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मूवमेंट लेते हैं बी पर, इस पॉइंट पर मैंने मूवमेंट लिया, अगर मैं यहाँ पर मूवमेंट 0 लेता हूँ तो ये रिएक्टिव का जो होगा ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा इसका मूवमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ए वन मल्टीप्लाई बाय फोर फोर ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ तक ये वाला इस पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है ये है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 4 प्लस, ये डिस्टेंस है 3 प्लस 1 जो कि 4 के बराबर है। ठीक है, 4 मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद अच्छा ये पॉजिटिव क्यों लिखा है, पॉजिटिव क्यों इसलिए लिखा कि क्लॉक वाइज में जा रहा है, क्लॉक वाइज को मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया है, और ये 40 को मैंने नेगेटिव लिखा है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा कर रहा है। मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है,
इज इक्वल टू जीरो लेंगे, ये एम नहीं है, ठीक है, ये जीरो है। अच्छा उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये 40 इस तरफ आएगा, ठीक है, 40 इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 4 AY हो जाएगा, तो AY को हमने फाइंड करना है, तो 40 को 4 पे फिर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10 किलो न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैंने जीरो लिखा, ये जीरो है, ठीक है, एम नहीं है, ये इक्वेशन इज इक्वल जीरो के बराबर लिया है, ठीक है, ये आप लोग ठीक कर ले। अच्छा उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ए वाई हमारे पास फाइंड हो गया, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि इसको इक्वेशन वन नाम दे। अब देखिए ये ए वाई जो है इसको इक्वेशन वन में पुट करो, जो हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हमारे पास आर बी की वैल्यू इससे फाइंड हो जाएगी, रिएक्शन एट पॉइंट बी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह हुआ है। तो ये देखो पुट दी वैल्यू ऑफ ए वाई इन इक्वेशन वन, यहाँ पर आप लोगों ने ए वाई की वैल्यू पुट कर ली, तो हमारे पास इस इक्वेशन से आर बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, ये आर बी की वैल्यू 33.53 किलो न्यूटन आ रही है। सिमिलरली हमने ए वाई भी फाइंड कर लिया और आर बी भी फाइंड कर लिया, अब हमारे पास क्या रहता है, इस ए पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स रिएक्टिव फोर्स लग रहा है, अब हम वो फाइंड करेंगे, तो वो हम तभी फाइंड करेंगे जो समीशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, और मैंने राइट टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव लिया है, तो ये वाला एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इस फोर्स का, देखो ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है ना, इस तरफ, तो इसका ये वाला कंपोनेंट तो होगा ना, तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट तरफ में जा रहा है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है, माइनस आर बी साइन थीटा, साइन 26.565, ये साइन इसलिए लिखा है कि क्योंकि इसके वर्टिकल के साथ, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा था, तो उसके साथ कॉस आएगा और एस के साथ साइन आएगा। तो फिर इस इक्वेशन से हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, यहाँ पर आर बी की वैल्यू पुट कर ले जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर ली, फिर ये कैलकुलेट कर ले कैलकुलेटर के जरिए, एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 किलो न्यूटन आ जाएगी। तो यहाँ तक तो हमारे पास आंसर फाइंड हो गया, तो अभी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा रहता है इसमें थोड़ा काम। अब चूंकि हमारे पास इन लोगों ने नेट रिएक्शन मांगे थे, तो नेट रिएक्शन एट बी तो हमारे पास आर बी डायरेक्ट ही फाइंड हो गया 33.55 किलो न्यूटन, लेकिन रिजल्टेंट रिएक्शन एट ए हमारे पास क्या होगा, चूंकि ये दोनों 90 एंगल्स बना रहे, तो ये पिथागोरस थ्योरम से हम फिर इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, आर ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 15 है और ए वाई की वैल्यू 10 है, तो इसका स्क्वायर ले और अंडर रूट ले, तो हमारे पास आर ए की वैल्यू 18 किलो न्यूटन आ जाएगी, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोग सीख लो, ये एंगल वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पर, ये बहुत आगे जाके बहुत क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, ये आप लोग सीख लो, और अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लो, कमेंट लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस प्लेलिस्ट में आप लोग और भी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट वीडियो के आखिर में आप लोगों को मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन का सलूशन जो है, इस क्वेश्चन का सलूशन वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो तो ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ये व्हाइट बोर्ड जो है नोटबुक ये आपको ओपन हो जाएगा, तो फिर इसे आप लोग लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिंक डालता हूँ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।